हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल ज्ञान सीखते रहो यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओप्पो मोबाइल में आइकॉन ऑटोफिल सेटिंग कैसे ऑन करें और इस सेटिंग को ऑन करने से क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बताता हूँ ये सेटिंग आपको मिलेगा कहाँ पर। तो ये सेटिंग के लिए आप अपने ओप्पो मोबाइल का सेटिंग ओपन कर लीजिए और उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे की ओर करिए और उसके बाद आप यहाँ होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन के ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिल जाता है आइकॉन ऑटोफिल। तो आप यहाँ पर क्लिक करके ये सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। और ये सेटिंग ऑन करने से होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। जैसे देख सकते हैं अभी जो है वो ऐप का आइकॉन जो है वो बिखरा बिखरा है, जैसे एक ऐप यहां पर है, एक ऐप यहां, एक ऐप यहां, एक ऐप यहां, तो इस तरह से बिखरा बिखरा हुआ है। और जब आप आइकॉन ऑटोफिल सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका ऐप का आइकॉन जो है वो अपने आप ही ऑटोफिल हो जाएगा एक लाइन में। जैसे मैं करके दिखाता हूं, जैसे मैं यहां पर क्लिक करके आइकॉन ऑटोफिल सेटिंग को ऑन करता हूं, यहां पर क्लिक किया, आइकॉन ऑटोफिल सेटिंग ऑन हो गया। अब मैं कट करता हूं, होम स्क्रीन पर आता हूं, तो देख सकते हैं अब ऐप का आइकॉन जो है वो अपने आप ही इस लाइन में जो है वो ऑटोफिल हो चुका है। तो यह सेटिंग ऑन करने से यही होता है।